26 दिसंबर को हमारे घर ग्राम प्रधान के कहने पर घनश्याम गुड़, उसके दो बेटे दिलीप गुड़, गौतम गुड़, मनोज पटेल और कोई कोई जितना भी मतलब अराजक तत्वों को लेके कम से कम 22 लोग थे, मेरे घर में घुस के भरपूर। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, उस खबर की सच्चाई को सुनकर शायद इंसानियत का भी कलेजा फट जाए। दरअसल ये खबर है एक लाचार पीड़ित विधवा महिला की। दरअसल जनपद वाराणसी थाना शिवपुर अंतर्गत ग्राम चमाव तरना की रहने वाली लाचार बेबस पीड़ित विधवा महिला अमन पांडे व उनकी तीन जवान बेटियों को कुछ दबंगों ने जीना दूभर कर रखा है। गांव के कुछ अराजक तत्व दबंग लोग पीड़ित महिला जहां एक एक पैसा जोड़कर परिवार का भरण पोषण कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दबंगों ने विधवा महिला के परिवार पर कहर बरपा रखा है। पीड़ित महिला के घर पर दबंगों ने रात्रि के अंधेरे में जाकर जानलेवा हमला किया। पीड़ित परिवार ने भाग कर अपनी जान बचाई। जवान बेटियों को गली मोहल्ले में आए दिन दबंग छेड़ते हैं। पीड़ित विधवा महिला को गली बीच खड़ा कर बहुत ही गंदरी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि यदि प्रशासन के पास मदद मांगने जाओगी तो आपकी बेटियों सहित तुम्हारा वो हाल कर देंगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी और रात्रि के अंधेरे में तुम सभी को मौत के घाट उतार देंगे। दबंगों ने पैसों के दम पर शिवपुर पुलिस से सांठगांठ करके पीड़ित महिला के खिलाफ झूठा आरोप लगाते हुए उसे हवालात पहुँचाया। पुलिस पीड़ित महिला की मदद करने के बजाय चंद रिश्वत की लालच में आकर पीड़ित परिवार के जीवन को दांव पर लगा दिया है। वहीं पीड़ित महिला ने रोते हुए सच्चाई को बयां किया। पीड़ित महिला की सच्चाई को सुनकर शायद इंसानियत का भी कलेजा फट जाएगा। पीड़ित महिला ने बताया यदि उन्हें सही न्याय नहीं मिला तो तीन बेटियों सहित जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगी। सरकार इस पीड़ित परिवार की मदद क्यों नहीं कर रही है? अब देखना है कि पीड़ित परिवार को सही न्याय मिलता है अथवा नहीं। तो आइए महिला का ये वीडियो सुनते हैं और आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज। आपके साथ क्या हुआ है वो पूरी बात आप बताएं। सर, मैं अमन पांडे, ग्राम चमाव तरना थाना शिवपुर वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैं एक विडो लेडीज हूँ, तीन मेरी बेटियाँ हैं। सर, 26 दिसंबर को हमारे घर ग्राम प्रधान के कहने पर घनश्याम गुड़, उसके दो बेटे दिलीप गुड़, गौतम गुड़, मनोज पटेल और कोई कोई जितना भी मतलब अराजक तत्वों को लेके कम से कम 22 लोग थे, मेरे घर में घुस के भरपूर हम लोगों को जान से मारने की कोशिश किए, लूटपाट किए, तोड़फोड़ किए, पेड़ पौधे उखाड़े। और 112 नंबर की पुलिस हम जब बुलाए उसको भी गांव वालों ने पूरे मात्रा में इकट्ठा होकर उधर ही रोक लिया। SSP साहब को बार बार कॉल करने पर सर किसी तरह शिवपुर थाने से पुलिस आई, तब जाके मामला थोड़ा शांत हुआ। सुबह मैं एप्लीकेशन देने शिवपुर थाने पर गई कि सर मेरा कोई कार्रवाई करिए, मदद करिए। तो SO साहब ने मेरा ही 151 का चालान काट दिया। शाम तक मैं परेशान थी, मेरी छोटी बेटी फोन भी मुझसे छीन लिया गया था। वो कह रही थी मेरी मम्मी को लोग मार डाले, फटक फटक के पूरे शिवपुर में घूमती रही कि कहीं से मम्मी मिल जाए। शाम को किसी तरह अपना एक वकील साहब के माध्यम से बेल करा के घर आई। उस दिन से सर आज तक मैं हर जगह जहाँ उम्मीद थी कि कोई अधिकारी मेरा सुन ले, मेरे तरफ से कुछ भी करवाया, यहाँ से कि उन अपराधियों से कोई पूछताछ भी आज तक नहीं हुई सर। उसका नतीजा है सर कि उन लोगों का इतना मनोबल बढ़ गया कि अब सामने हरजन बस्ती है, उन लोगों को उकसा के वहाँ के लोंडे सर जो कि दिन रात नशे में धुत रहते हैं, ड्रग्स जुआ और गांजा फूकते रहते हैं, वो सारी रात धमकाते हैं कि आज इन लोगों को मार देंगे, आज थूक दो जला दो। अब उन लोगों को यही कहना है कि लोगों को मार के घर में ही जिंदा जला दो। यहाँ तक कि इतना भी डिसाइड कर लिए हैं